इस वे सरकार जी गोड्या पर नहीं डिगी पई है, पंजा सूबियां विच उन मूँह की खानी पई आ। हुण ते इस मोदी नूं जां उहदियां जिहड़ियां एजेंसियां वा जां जिहड़े 25,000 ने आरएसएस दे कारकुन लाए इत्थे, असीं वेने कईआं नूं फड़दे वी आ, उहनां नूं समझ लैणा चाहीदा ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤੇ, ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲੈ, ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਆਈ ਆਕਸੀਜਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, अपने घर चो एक एक नौजवान ये भेटा कर दो, एक एक टब्बर चो एक एक आदमी आ जाए, लो रातों दिन नहीं होगा मोर्चा जितया जाए। ट्रैक्टर ट्रालियां नहीं होना, हुण वाहन आने, चार पहिया दे चलदा। मैं ये कहने विच संकोच नहीं करता, शंभू बार्डर तो ते सिंघू बार्डर तक लैन बन जाएगी लैन। प्यारी साहब सिंह जी, वाहगुरू जी का खालसा, श्री वाहगुरू जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे, जब आन की औद निदान मने, अत ही रण में फिर जो मर। हुण असीं रण दे विच आ, एक बन्ने महामारी का सानूं डर पाया जा रहा, दूसरे बन्ने ये साडे विरुद्ध जिहड़े कानून ने वह साडा पिछा नहीं छड रहे, उहदे विच असीं फसे हुए हैं। कल साड़ी 6-7 घंटे मीटिंग हुई है संयुक्त किसान मोर्चे की, जिदे 571 जथेबंदियां शामिल है। उन्होंने नुमाइंदे केरला तो, उन्होंने नुमाइंदे यूपी तो, टकैट साहब भी आए सी, बड़ा वड्डा मंथन किया गया। वो जिहड़ा विशा सी, वह विशा भी उहो ही है जिहड़ा सानूं रोज़ पुछदे तुसीं, ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਲੋਕੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਆ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਰਵਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਯੂਪੀ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਵਾ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਾ ਉਹਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਗੋਵਾ ਕਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਮਣੀਪੁਰੋਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ ਅਜੇ 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਓ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾ,
जहाँ जेडे 25,000 ने आरा सीधे कारकुन लाए इतने असी वेने कई फटते भी हाँ उन्होंने समझ लेना चाहिए भी ये जेडे भारत के लोग आ खास करके पंजाब के हरियाणे के यूपी के राजस्थान इन्हां जित तो बगैर नहीं इतों जाना ये काले कानून रद्द करा के जाएंगे। सो इस करके ये चुन दूजी राय नहीं आ जरा यूपी का वड्डा सूबा वा इत्थे हुणे पंचायत दीआं चोणां हो के हटियां 3,000 सीटां दे रिजल्ट आए आ ये हुंदे इत्थे साडे वांगू पंचायतां छोटियां छोटियां नहीं गईआं भी एक पिंड दीआं 6 पंचायतां वड्डियां वड्डियां पंचायतां ने उहनां 3,000 पंचायतां विचों ये मोदी का जिहड़ा योगी आ आदित्यनाथ वो तीसरे नंबर ते आ बहुत घट सीटां मिलियां ने। सो ये बिल्कुल उन्होंने पता लग गया यूपी साढ़े को खिसक रही आ पंजाब तो वैसे उन्होंने कट छड़िया वा उत्तराखंड भी यूपी वर्गा वा गोवा विच है ही सीटा 30 क्या पांच चार इधर चल जाओ पांच चार इधर चल जाओ पर मैनू लगता गोवा के बंदे भी आज की स्थिर रहेंगे। ओ मणिपुर आ मणिपुर अगे बीजेपी नू कोई खाता नहीं खुलता। सो इस करके जिहड़ियां पंजां सूबियां दीआं चोणां ने आउण वालियां उहदे विच वी आ जिहड़ा मोर्चा वा इहदी जिहड़ी आवाज़ आ आवाज़ भी बाबे नानक दी सुच्ची आवाज़ आ उह घर घर पहुँच गया पहाड़ियां च पहुँच गया आसाम पहुँच गया बंगाल पहुँच गई सारे पहुँच गई आ उहने सारे भारत विच जागरूकता कर दित्ती है। सारे भारत दे किसान MSP मंगण सारे भारत दे नहीं सारे दुनिया दे किसान कट्ठे हो के MSP दा कानून मंगण रहे हैं। आ असीं गए हाँ केरला बड़ी जना जांदे रहे हाँ केरला दी सरकार ये नहीं भी उन्हें को बहुत वड्डा काम करता उन्होंने जिहड़ियां 23 चीज़ां केंद्र जिन्हां दे रेट बनदा वा उहदे तों इलावा 18 होर चीज़ां जिहदे च फल फ्रूट ने जिदे जिहड़ियां वो चीज़ा पैदा करते नारियल पैदा करते काली मिर्च पैदा करते मसाले पैदा करते जिन्हां दा मुल निर्धारित नहीं हुंदा साढ़े गंढियां वांगू साढ़े आलू वांगू रोलदे उन्होंने भा बनते उन्होंने वो तदे सरकार दोबारा बनी नहीं तो बनती नहीं सी। केरला दे लोग एक नूं बणाउंदे एक नूं ढाउंदे एक नूं बणाउंदे एक नूं ढाउंदे वो सरकार दोबारा आ गई। सो इस करके हुण सारे भारत विच कौन अगे आवेगा जिहड़ा किसानां दीआं फसलां दे भाव उचित सुचे भाव उहनां ते खरीद भी करेगा। लोकां दी मूंगी ऐतकी वी रुड़ी आ अरहर रली आ कणक भी आ इत्थे बहुत सूबिआं दी कणक दी खरीद नहीं होई आ यूपी दे विच अजे वी लोकां दीआं लाइनां लगियां ने कणक वढ ली आ कणक घर भी आ गई आ कणक मंडियां च खड़दे आ उत्थे बोली नहीं होण डई। सो इस करके बड़ा वड्डा सवाल आ सारे भारत दे विच इस मोर्चे ने लोकां दे कन्न खड़े करते इस मोर्चे ने किसानां नूं इकट्ठिया करता आ सानूं बड़े लोकां ने सवाल किया कल असी फैसला लिया सी भी इहदा जिहड़ा करोना का डर पाया जाए इहदा विरोध करिए बीमारी का विरोध नहीं करते असी लाकडाउन का विरोध करते हाँ भी लाकडाउन जिथे भी लगे उत्थे मौतां वध हुंदियां आ जिहड़े जिहड़े देशां च लगा उन्हां कन्नां नूं हत्थ ला लिया भी असीं मुड़के नहीं लाउणा। ये मोदी बार बार ला रहा पिछले साल इन्हें बंबे ला के वेख्या मौतां ज़्यादा होईयां भारत विच ला के वेख्या मौतां ज़्यादा होईयां पहलां इन्हें कहा भी ये बीमारी कोई नहीं थालियां वजाउण लग पिया दीवे जगाए सानू बड़े मंत्र शंत्र पढ़े फिर कहिंदा मेरा हुण जिहड़ा टीका तैयार हो गया वो रामदेव को पता नहीं घोल के को लिया है जादू जिहा वो तो चलिया नहीं गा क्योंकि इहदा विज्ञान इहदी दवाई एवें कोई सुआह सूह ना नहीं इहने जाणा इहदी बकायदा दवाई आ वो तो तैयार नहीं करन डए वो जिहड़े टीके बनाए से वह बाहरलियां देशां नूं भेजते ये फुल गया ना भी मैं टीका तैयार कर लिया टीके बाहर भेजते ऑक्सीजन के सिलेंडर बाहर भेजते पैसे वट लै हुण ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं लभन डिया जिहड़े पाकिस्तान नूं गालां कढ़दे उत्थों गड्डी भरी आई ऑक्सीजन की
तुसी वेख्या अपने मीडिया के उत्ते क्यों बीबा वेख्या गड्डी भरी पाकिस्तान तो ऑक्सीजन की आई है जिन्हों रोज़ गालां कढ़दे आ भी पाकिस्तान जिहड़ा इस घोल का समर्थन करता। सो ऐसियां गल्लां बनाईयां इन्होंने आ पांच चार अज ही आया अखबारां च पांच छे मुख्यमंत्रियों ने गल की। एक सोरन मंत्री आ झारखंड का वो कहिंदा मोदी जी तुसी गल्लां बड़ियां करदे जे मन की बात करदे जे कदी लोकां दी गल भी करो आ किसान मरन डे उन्हां दी गल नहीं करदे तुसी अपनी गल करी जांदे जे। उत्थे होर बघेल है एक मुख्यमंत्री उन्हें भी इहो गल कीती आ छत्तीसगढ़ का भी तुसी इधर उधर दीआं गल्लां करदे जिहड़े लोग दुखी आ उन्हां दी गल ही कोई नहीं तुसी करदे। सो इस करके हुण उं ही जितना ना साध जहा बनया वा जितना पुराने समय से हूँ पला जहा बड़ा रखता दाड़ी दूड़ी बधा ली आ टगोर जी की शकल बनाई जाता वा जितना को गां महात्मा बन जाना वा पर ये काम नहीं चलना हूँ शकलां बिगाड़ के नहीं चलना हूँ अकल की गल आ गई है। अज साडा मोर्चा जिहड़े फैसले कल किए आ भी इन सारे मोर्चा के उत्ते मैं परसों भी कहा है अज फिर कहना जितना गुरु के बाग का मोर्चा मोगे का मोर्चा बड़े बड़े मोर्चे लगे आ जैतो का मोर्चा उस वे लोग कहते होंगे सी मैं नहीं कहता कांग्रेस वाले कहते होंगे सी उदो राज करते सी एक एक मुंडा गुरुद्वारे चढ़ा दो कहते कि नहीं कहते मैं दसो तुसी। अज मैं कहना संयुक्त किसान मोर्चा अपने घर चो एक एक नौजवान ये भेटा कर दौ ये नहीं गा अही पक्का नहीं गा अही चढ़ाते जो मोर्चा जित जू अपने बच्चे लै जो अज ये मोर्चा 11 लाख किसान टब्बर ते पंजाब दे आ 9.5 लाख हरियाणे दे आ अजे बाकी छड़ लिए 30 लाख टब्बर जिहड़े यूपी दे आ वह यार टब्बरां चो एक एक बंदा आज क्यों मेरी गल नूं समझदे तुसी एक एक टब्बर चो एक एक आदमी आ जाए लो रातों दिन नहीं होगा मोर्चा जितया जाएगा कोई वड्डी गल नहीं। बड़ा सानूं पुछदे आ भी तुहाडे कहण ते आउंदे क्यों नहीं गए आने लोगों नूं बड़ा प्रभावित करना पैंदा लोगों को जाना पैंदा लोगों के दुख सुख में जाना पैंदा वा। मैं अजनाले च अजनाले अपने घर नहीं गया पर साडा एक बहुत वड्डा बंदा उहदी अपनी घरवाली गुजर गई आ साडे साथी बैठे आ उत्थे बड़ा वड्डा कट होया ये नहीं पंचायत नहीं होई उत्थे मैं उत्थे हो के सीधा दिल्ली आ गया। सो इस करके इस वेले मोर्चे नूं इहदी लामबंदी करन लई लोकां दे दुख सुख विच जर सरकार ते लोकां नूं घरीं वाण डई आ ते असीं बाहर बह जाइए असीं अज दसना चाहुंदे आ असीं इह फैसला कीता भी लाकडाउन रद्द करना चाहिए लाकडाउन वापस होवे। अज साडे बाजारां विच सारे पंजाब विच हरियाणे दे भी कुछ समय अपने जिलियां दे विच लोग बाजारां च गए आ भी लोको अपनियां दुकानां खोलो अगे मैं दुकानां बंद कराउण आउंदे हे अज अहीं कादे लई आए हां दुकानां खोलो जे तुहानूं कोई पुलिस वाला तंग करदा होवे असीं डंडे झंडे दे तुहाडे नाल आ क्योंकि लोग छोटा दुकानदार तो मरन डिया रेहड़ी वाला जिहड़ा उहने कोई चार आने वट के घर जाके अपने घर नूं रोटी खवाउणी उह बेचारा बेकार आ लोकां ने घरां दे जिहड़े काम बंद करवाते आ। सो इस करके सारा कारोबार बंद होण वल नूं जा रहा असीं लोकां दे नाल खलोते हाँ। सो इस करके कल मोर्चे ने फैसला किया भी पंजाब वालियां ने जो किया असीं ये नारा दिंदे सारे भारत नूं भी ये जड़ा अपना लाकडाउन आ इहनूं मोदी वापस लो बड़ी वड्डी गल है ये पंजाब वालियां दी बहुत वड्डी हमदर्दी आ सारे भारत भर के लोगों का 140 करोड़ आबादी के सामने सवाल आ गया भी ये लाकडाउन रद्द किया जाए ये ना लाया जाए ये हल नहीं बीमारी का की हल आ लोगों सेहत सेवावान यदि मैं व्याख्या नहीं करता समा थोड़ा वा 3 बजन वाले आ
सो मैं बेनती करदा उहदे हल ध्यान कोई नहीं, हस्पताल डॉक्टर कोई नहीं, मैं जिथों जनाले आना उत्थे डॉक्टर कोई नहीं आता, कोई है जी ये बार्डर ते आ जी बार्डर ते आ। सो इस करके साढ़े ते भी अमृतसर शहर का बार्डर बहुत वड्डा बार्डर, अहीं ते उत्थे डॉक्टर कदी नहीं वेख्या। तो सो लोगों दीआं सेहत सेवावां लई सरकारी डॉक्टर जिहड़े लियांदे जाण, नर्सां लियांदियां जाण, पैरामेडिकल स्टाफ होवे, दवाइयां होण, ऑक्सीजन दे सिलेंडर नहीं लभण डै। साडा इत्थे इक शहीद हो गया करोना महामारी का, सिलेंडर ही नहीं लभा, बड़ी मुश्किलों नूं दाखिल करवाया। सो सिलेंडर जिहड़ा मुफ्त गैस तैयार हुंदी आ, जे 100 रुपया ला भी लो, 2-2 हज़ार का 20-20 हज़ार का सिलेंडर विकन डिया। तुसीं मैनूं दसो वी लाकडाउन दे नाल सिलेंडर आ जाणे आ, वी लाकडाउन लाता ही तां फिर लंघाता वी, जिन्ने मर्जी सिलेंडर लंघाओ लंघदा कि नहीं तुहाडे लागों दी। पंजाब नूं रोज़ 1000 सिलेंडर चाहीदा, नहीं मिलन डिया। पंजाब सरकार ने जिहड़े पैसे जमा कराए उन्हां नूं टीके नहीं मिलन डै। सो उह तैयार करने चाहीदे, ये लाकडाउन ला दिओ जी, तां कि लोकां दे विच ऐसा भुलेखा पाओ वी सरकार बड़ी हरकत विच आ, वो तो बड़ा प्रबंध कर रही आ, वो तो जिंदर लै के बाजार फिरन रही आ, उन्हें तो बाजार बंद कराते आ, ये ना बीमारी चल जूगी, बीमारी अपने था वा। सो इस करके ये बीमारी महामारी नहीं हैगी, बीमारी हैगी आ। ये कहिंदे जी रोज़ इन्ने बंदे मरदे आ, मैं कहिंदा कदी आया वा सारे वध बंदे कित्थे मरदे आ, एक्सीडेंट दे नाल, उहदा कदी जिक्र ही नहीं आउंदा। फगवाड़े तो जिहड़ी लुधियाणे नूं सड़क जांदी आ रोज़ 7 फुड़कदे, उहदा कदी जिक्र नहीं आया। इसे तरह होर आ जिहड़ा डबल नमूनिया वा, किहड़ा पिंड आ जिथे डबल नमूनिया नाल साडा बजुर्ग नहीं मरदा, ये एवें महामारी कही जांदे आ। सो इस करके दूजियां बीमारियां वर्गी ये बीमारी आ, इहनूं उह फैलाया वा। साडे शरीर विच जिहड़े कीटाणु आ 5%, 10%, 15%, 20% वैसे होंदे आ। लो अज टैसट करा लो, जो मेरा करा लो, कहणगे जी इहदे महाराज हुणे बिस्तरे ते पाओ, तुहानूं ते करोना वा। वो इहदे कीटाणु हमेशा बीबा होंदे आ, हर बंदे दे विच हर बीमारी दे कीटाणु हैगे आ, वो जदों उहनां दी मकदार वधदी आ ते उह भारे पै जांदे आ। जे साफ सफाई रखीए, इतिहाद रखीए, चंगी खुराक खाइए, सवेरे उठ के ही ध्यान करते हाँ मेरे कोल आ, मैं काढ़ा 3 वारी दिहाड़ी च पी लैना। सो इस करके कोई ऐसी यदी इहो जिहे सरकार ख्याल नहीं कर रही, लोगों नूं काढ़े दिओ, लोगों नूं जरूरत दीआं चीज़ां दिओ, सगों लभण नहीं डईआं। एवें झूठो झूठ कही जांदे सरपंचो 5-5 हज़ार खर्च कर लो, मैनू जे तुहाडे चो कोई सरपंच आया किसे कोल पैसे हैगे मैनू दसो भी। उह ही कही जांदे पंचायतां नूं खुल देती आ भी वह हुण रोज़ का 5 हज़ार खर्च कर सकते। इस बीमारी नूं ढाउण लई मैनू दसो सरपंच ने टीके लाउणे आ, सरपंच दे अगे हथ ते हथ बन रहे है कख नहीं गा। 15-15, 20-20 लख सरकार बना के आए आ पंजाब दे, उहनां दा ते उह नहीं पूरा होण डिआ। सो इस करके मैं बेनती करदा वा, ये सरपंच गुस्से ना होण मेरी इस गल दे, ये भावुक हो के ही कह रहे हैं भी इहो जे हुक्म देण डिआ। इहो जिहियां जिहड़ियां मैं बाद याद गल्लां करना वो सरकार करन रही है। सो इस करके कुछ 1-2 साथियों ने बोलना वा, 3:10 रह गए, 1-2 बुलारे होर भी है गए आ, मैं तुहानूं इहो बेनती करदा इत्थे गिणती वधा दिओ। 2 तरीकां सी मिथियां ने, 1-10 ते 1-12। लो साडी अजे जथेबंदी मैं बहुते मारदा नहीं, साडे सैकड़े जिहड़े आ ट्रैक्टर ट्रालियां नहीं आउणा, हुण वाहन आउणे आ 4 पहियां दे चलदा। राजेवाल ने कहा मेरे 500 आउणगे, मैं बड़ी चंगी गल है, जंकारा वज गया मीटिंग च। किसी ने कहा साढ़े 200 होणगे, किसी ने कहा साढ़े, जिन्हें कहा पता साढ़े च भी थोड़ा जिहा हैगा, जे पहला बंदा 50 कहे दूजे ने किन्ने कहने आ 100, ते जिन्हें कहने 150, चौथे ने कहने 200। पर नहीं सच्ची मुच्ची साढ़े जथेबंदियां लियाउणगे वड्डी गिणती, उह 10 नूं भी जिहड़ा शंभू बार्डर आ उत्थे 12 बजे इकट्ठे हो के
मैं एक कहन विच संकोच नहीं करता, शंभू बार्डर तो दे सिंघू बार्डर तक लैन बन जाएगी, लैन एक लैन बन जाएगी। जिस तरह नवी रेलवे लाइन लंघी इस तरह लोग आएंगे, असी वो अपने धौन ते गोडा रखांगे। जिहड़ा ये प्रधानमंत्री आ मंगा मैनू क्यों ना, इस तरह खनौरी तो लैके बहुत उधरों भी सड़क इस तरह जरनैली आउंदी आ, टिकरी बार्डर ते वो भी आउणगे, और यूपी उत्तराखंड चो रेल बन के जी गाजीपुर लोग आउणगे, इधरों दो तिना सूबिया चो जयपुर चो जोधपुर वालों आण के वो इत्थे दिल्ली दे लागे आउणगे। सो इहो ही तरीका वा अपने मोर्चे नूं वड्डा करन दा ते मोर्चे नूं जितण दा, होर कोई तरीका नहीं। बाकी 10 तरीक नूं जिथे असीं आउणा उत्थे असीं दिन मनाउणा गदरी बाबियां दा, गदरी बाबियां दा 10 नूं वड्डी गिणती च आयो बोलांगे असीं। 10 मई 1913 गदरियां ने बड़ा उस वेले बहुत वड्डा युद्ध कीता, बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां देश नूं याद कराउण लई, उह वी दिन मनावांगे। 12 तरीक नूं मदरस डे आ, मावां साडियां बैठियां ने, धियां वी नाल बैठियां ने, मावां दा दिन मदरस डे, मदर ट्रेसा असीं कहिंदे उहदे बुत वी लगे आ, मावां दा दिन मनाउणा। सो इह मोर्चा बड़ा उच्चा सुच्चा पवित्र आ, इहदे ते इहो जिहे लोकां दे शहीदां मरीदां दे दिन मनाए जांदे आ, गदरी बाबियां दे मनाए जांदे आ, मावां दे मनाए जांदे आ, धियां दे मनाए जांदे आ, बहुत नौजवानां दे मनाए जांदे आ। सो इहनां शब्दां नाल मैं कहूँगा वी इत्थे वड्डी गिणती च आया करो, इहो इक्को इक हल आ। सो इन्हां शब्दां नाल वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।